वेलकम टू ईसा का क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं बाफले वाली पाटी। इसे बनाना बहुत इजी है। इसके साथ हम एक दाल सर्व करेंगे। उस दाल का लिंक मैंने पहले ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख सकते हो। और इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले आटा लेंगे, ये थोड़ा सा दरदरा है, आप ये देख सकते हैं, बारीक आटा नहीं है ये। तेल लिया हुआ है, नमक, सोडा और ये जीरा। अब इसे बनाने के लिए विधि देख लेते हैं। सबसे पहले हम पानी रख देंगे गर्म होने के लिए और उसके बाद हम डो रेडी कर देंगे इसका। सबसे पहले आटा लेंगे, यहाँ पे मैं 2 कप ले रही हूँ। इससे आराम से 5 से 6 बाटी बनेगी आपकी। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। अब इसमें जीरा डालेंगे 1/2 चम्मच। अब हम इसमें सोडा डालेंगे, ये नियर बाय 1 पिंच ऑफ सोडा है। अब इसको एक बार मिला देंगे और एक बीच में से हॉल कर देंगे अच्छे से। ये देख सकते हो आप कैसे कर रहे हो। अब इधर तेल डाल देंगे, यहाँ पे मैं 2 चम्मच तेल ले रही हूँ और इसको भी एक बार मिक्स कर देंगे। ये देखिए हाथ से भी कर रहे हो, अच्छे से मिक्स हो जाएगा हाथ से। ये ऐसे ही करना है आपको भी। पहले तेल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए अपने आटे के साथ। आप देख सकते हो कितने अच्छे से मिक्स हो गया हमारा तेल आटे के साथ। ये देखिए अब हम पानी डाल के हमारा डो रेडी कर देंगे। नॉर्मली हम जैसे डो रेडी करते हैं वैसे ही आपको डो रेडी करना है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ही डालना है, एक साथ पानी मत डालना। ये देख सकते हो कैसा आटा है अपना, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने एकदम ये टाइट आटा उसना है इसको, ये देख सकते हो ऐसा ही होना चाहिए। हम ऐसे 5 मिनट तक करते रहेंगे ऐसे। पहले प्रेस करेंगे अच्छे से और फिर वापस उसको फोल्ड वापस प्रेस करेंगे ऐसे। ये देखिए तो वापस वापस फोल्ड करेंगे ऐसे, आपको 5 मिनट तक करना है। ये देखिए, और इसमें सोडा डालने का फायदा ये है कि आपकी पाटी बहुत सॉफ्ट बनेगी। अभी थोड़ा सा डो लेंगे, ये देखिए, ये देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, अंदर की तरफ आपको फोल्ड करना है। थोड़ा सा प्रेस करना है, ये हमारी बाटी रेडी है। ऐसे ही बाकी सब भी रेडी कर देंगे। एक बार वापस दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसे है। आप देख सकते हो मैं एक ही तरफ फोल्ड कर रही हूँ अंदर की तरफ। और ये टर्न कर दिया, अभी नीचे की तरफ डाल रही हूँ। ये देखिए हमने बहुत बार देखा होगा, कचौरी में देखा होगा ऐसे हम करते रहते हैं। और ये गोल करके थोड़ा सा फिर प्रेस कर देंगे, ये रेडी है। ऐसे हम बाकी सब रेडी कर देते हैं। अभी ये देखिए सब मेरी बाटी रेडी है। हमारे पानी में भी आप देख सकते हो। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, इससे आपकी बाटी चिपकेगी नहीं एक दूसरे से। ये एक छन्नी का मैंने लिया हुआ है, इसे क्या होगा आप नीचे की तरफ से चिपकेगी नहीं अपनी बाटी। अब एक एक करके बाटी डाल देंगे। जब तक ये डाल रही हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा है। अगर आपको और कोई रेसिपीज या और किसी वीडियो अगर चाहिए हो तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आ रहे हो, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, आपको हमेशा मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। देख सकते हो बॉयल आ गया है। अब हम फ्लेम लो कर देंगे और 1/2 घंटे का होने के लिए हम रख देंगे ऐसे इसको ढक्कन लगा के। लेकिन हर 5-10 मिनट में आप आके चेक करते रहिए और उसको चेंज करते पलटी करते रहना है हमें हर 5-10 मिनट। 5-10 मिनट हो गए, हम चेक कर लेते हैं। आप ये देख सकते हो मैं बेलन यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी बाटी है जिसमें कट नहीं आएंगे। अगर हम चम्मच या किसी यूज़ करें तो हमें कट आ जाएंगे, तो अच्छी नहीं लगेगी ये, इसलिए हम ये यूज़ करें। अगर आपके पास लकड़ी हो तो आप लकड़ी भी यूज़ कर सकते हो। वापस 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही होने देंगे ढककर। मिनट्स हो गए, हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए कितनी अच्छी बाटी हमारी फूल गई है, आप देख सकते हो। हम वापस इसको पलटी कर देंगे थोड़ा सा। अब 10 मिनट के लिए और रख देंगे हम इसको। प्लेट में निकाल देंगे ऐसे, देखिए मैं निकाल रही हूँ। ऐसे हम बाकी सब भी निकाल देंगे। अब देख सकते हो कितनी अच्छी फूल गई हमारी ये बाटी, ये देखिए, और बहुत यम्मी लग रही है।
मैंने बाटी कुकर लिया हुआ है, इसको 5 मिनट के लिए फुल पे होने देंगे। 5 मिनट हो गए, आंच स्लो कर देंगे और एक एक करके हमारी बाटी रख देंगे इसमें। इसको हमें बाहर से पूरा क्रंची करना है। अगर आपके पास ऐसा नहीं हो कुकर तो आप तवे के ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कोई जाली या कुछ रख दीजिए नीचे, उसके ऊपर अपनी बाटी रखेंगे। अब इसको वापस हर 5-5 मिनट में आके हम चेक करते रहेंगे। ये मैंने स्लो फ्लेम पे किया हुआ है। अब इसको एक बार पलटी कर देंगे, ये आप देख सकते हो। अब हम वापस हर 2-2 मिनट 3-3 मिनट में हम आके चेक करते रहेंगे। इसको स्लो फ्लेम पे ही होने देना है, ठीक है? आप देख सकते हो इसको एक बार पलटी कर देंगे, ये देख सकते हो ऐसा ब्राउन होना चाहिए आपका। आप देख सकते हो बाटी अच्छे से हो गई हमारी। अब हम इसको सर्व करेंगे। देख सकते हो कितनी खस्ता हमारी बाटी बनी हुई है, बहुत सॉफ्ट बाटी है। इसके साथ मैंने दाल रखी है, इस दाल का वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में मैंने लहसुन की चटनी, इसका भी मैंने वीडियो में के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया आपको। और साथ में मिर्ची, कांदे और नींबू रखा है। ये बहुत टेस्टी और राजस्थान की फेमस डिश है, आप भी ट्राई कीजिए, सबको खिलाइए।